आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, सतयुग में एक मकर ध्वज नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्रों जैसा पालन करता था। उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। याज्ञवल्क्य जी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने मंत्री धर्मपाल को राज्य का भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। मंत्री धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया। उसके छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। ज्येष्ठ की चौथ को व्रत कर गणेश जी का पूजन करने लगी। उसके व्रत को देखकर उसकी सास बोली कि अरे ये क्या कर रही है, यह सब मत कर। वह सास के मना करने पर भी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती, व्रत करती। सास ने उसे बहुत डराया धमकाया। तो बहू बोली, माता जी मैं गणेश जी महाराज की भक्त हूँ, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ कर रही हूँ। तो सास को बहुत गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली कि पुत्र तेरी स्त्री जादू टोना करती है, मना करने पर कहती है कि गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती हूँ। हम नहीं जानते कि गणेश जी कौन है, तुम इसकी खूब पिटाई करो तब यह मानेगी। पर पति से मार खाने के बाद भी बड़ी पीड़ा और कठिनाइयों के साथ उसने गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करी और प्रार्थना करी कि हे गणेश जी महाराज, मेरे सास ससुर के हृदय में अपनी भक्ति उत्पन्न करो। श्री गणेश जी महाराज ने राजकुमार को धर्मपाल के घर छिपा दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण उतार कर राजा के भवन में डालकर अंतर्धान हो गए। राजा अपने पुत्र को ढूंढने लगे और धर्मपाल को बुलाकर मेरा पुत्र कहाँ है। मंत्री धर्मपाल बोला कि मैं नहीं जानता कि राजकुमार कहाँ गया, अभी उसे सभी जगहों पर ढूंढवाता हूँ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया परंतु राजकुमार का पता नहीं चला। पता नहीं चलने पर राजा ने मंत्री धर्मपाल को बुलाया और बोले, दुष्ट यदि राजकुमार नहीं मिले तो तेरे कुल सहित तेरा वध कर दूंगा। धर्मपाल अपने घर गया। अपनी पत्नी बंधु बांधवों को राजा का फरमान सुनाया और विलाप करने लगा कि अब हमारे कुल में कोई नहीं बचेगा, राजा सबका वध कर देंगे, अब मैं क्या करूं, मेरे कुटुंब परिवार की रक्षा कौन करेगा। उनके ऐसे वचन सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो, यह हमारे ऊपर गणेश जी महाराज का कोप है, इसलिए आप विधि पूर्वक गणेश जी महाराज का व्रत पूजन करें तो अवश्य पुत्र राजकुमार मिल जाएगा। इस व्रत को करने से सारे संकट दूर हो जाएंगे, यह संकटनाशी गणेश जी महाराज का व्रत है, उन्हीं की पूजा पाठ करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मंत्री धर्मपाल ने राजा को यह बात बताई। राजा ने प्रजा के साथ श्रद्धा और पूर्वक गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और गणेश जी महाराज इससे प्रसन्न हो गए। सब लोगों को देखते देखते राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजा ने जैसे ही राजकुमार को देखा तो खुशी से नाच उठा। सभी ने गणेश जी महाराज की महिमा को माना। इस प्रकार राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी नगरवासी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करेंगे।
इस प्रकार हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने राजा और उसके मंत्री को सबक सिखाया और उस छोटी बहू का मान बढ़ाया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।